शिवरात्रि महापर्व 8 मार्च को है। भगवान शिव की उपासना में जितना कुछ कर दिया जाए कम ही है। सनातन धर्म में मृत्युंजय महादेव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें देवों के देव कहा गया है। देवों के देव महादेव, महादेव की प्रसन्नता समस्त सुखों की खान है। क्षण मात्र में प्रसन्न होने वाले भगवान भोलेनाथ, अगर हम उनकी उपासना अपने किसी अभीष्ट की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, उस समय हमें विधि और विधान का पालन अनिवार्य है। जिस आसन पर आप बैठें, ध्यान रहे उस आसन का रंग काला ना हो, गंदा ना हो, कहीं से कटा फटा ना हो। लाल रंग का आसन या सफेद रंग का ऊनी आसन प्रयोग करें। आसन लगाने की बात का ध्यान रहे कि पैर से आसन को न खिसकाया जाए। जैसे आप कहीं खड़े हैं आसन के, तो आपने पैर से खिसका लिया, ऐसा करने से धन प्राप्ति का अगर कोई उपाय आप कर रहे हैं तो वो तो कभी सफल नहीं होगा। और अगर आप धनवान हैं तो इससे लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। इसलिए आसन का सम्मान करें, तत्पश्चात आसन पर बैठें। जिस पात्र में जल लें, आचमनी जल, उस पात्र में पैर आपका भूल करके भी न लगे। अगर पैर लग गया तो उस पात्र को दोबारा साफ करके उसमें स्वच्छ जल रख के फिर पूजा का आसन ग्रहण करें। जप करते समय किसी से वार्तालाप न करें, मोबाइल इत्यादि यंत्रों से दूरी बना के रखें और अपने मंत्र पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। थोड़े से विधान का पालन कर आप अपने मनोरथों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जय सियाराम।